चीज है ना। हाँ महाराज, शरीर में कैसा भी गठिया बात हो या जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कोई भी दर्द हो, इसका बीज निकाल करके अंदर का उसका फूल तोड़ लेना चाहिए। वो जो सफ़ेद दाना निकलता है उसकी घुंडी ऊपर की नहीं टूटना चाहिए। तो ये 15 दिन खाया जाता है। सभी संतों को प्रणाम करते हुए और जड़ी बूटी वीडियो देखने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आज फिर हम एक नई जड़ी बूटी के साथ हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने, तो आप देख लीजिए और पहचान लीजिए। ये आपका जाना पहचाना पेड़ होगा, बहुत बढ़िया इसका रामबाण नुक्शा है। ये आयुर्वेदिक दवाई है और आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल बहुतता किया जाता है। इसका तेल भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके पत्ते का भी रस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख लीजिए, ये अरंडी है, इसको अरंडी के नाम से जानते हैं, अंडी के नाम से भी जानते हैं और रेडी के नाम से भी जानते हैं और अरंड के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से इसके नाम है। अब इसका फायदा क्या है कि आप इसके फल, इसके फलों का तेल, अरंड का तेल आपको बाजार में भी मिल जाता है, आप अपने घर में भी निकाल सकते हैं। घर से निकालने का भी बहुत बढ़िया, आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। तो आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आपके घुटने दर्द कर रहे हैं घुटने के दर्द के लिए, और अगर सिर में बाल नहीं आपके हैं तो सिर के बाल के लिए, ये बहुत बढ़िया अरंडी का तेल। अगर सिर के गंजेपन में लगाते हैं तो बाल भी निकल आते हैं, और अगर इसका काढ़ा भी पीते हैं तब भी आपके घुटने का दर्द सही होता है, और इसका तेल लगाते हैं तो भी आपके घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये सब सही हो जाता है। इस प्रकार से इसका बहुत बढ़िया इलाज है। तो महाराज जी, आप भी कुछ दो शब्द बताएं। इसका जो कैसे खाया जाता है 15 दिन की, इसकी मिगी, एक पहले दिन एक मिगी खाए, उसको पानी द्वारा गुनगुने पानी से निगल ले, दूसरे दिन दो मिगी, तीसरे दिन तीन, ऐसे ही करके 14 दिन तक 14 मिगी खाना चाहिए। और फिर जब 14वां दिन हो जाए तो उसी दिन से कम करता चला जाए, यानी 14 के बाद 13, 12, 11, 10, 9, 8 ऐसे करके कम कर दे। मिगी का मतलब क्या हुआ महाराज जी, की एक दाना? हाँ, इसके अंदर जो बीज निकलता है ना, उस बीज को तोड़ करके उसके अंदर जो सफेद मिगी निकलती है, अच्छा, हाँ, उस एक मिगी से चालू करे खाने, और जो 14 दिन तक 14 मिगी खाना चाहिए। अच्छा। यानी आज एक खाया, कल दो, परसों तीन, चार, पाँच, छः, ऐसी करके बढ़ाता चला जाए। और उसके बाद में 14 जब हो जाए तो 14 के बाद कम करता चला आए, यानी 14 से 13, 12, 11, 10 इसी प्रकार से एक तक रह जाए तो इसको बंद कर दे। तो देखना आप, इससे किसी कहीं भी दर्द हो बदन में, कैसा भी पुराना दर्द हो, तुरंत ठीक होता है। तो देखिए, महाराज जी ने ये बताया कि आप इसके दाने को निकाल लीजिए और अंदर वाला निकालिए, सफेद वाला, तो आपको एक खाना है, दूसरे दिन दो, फिर तीन, इसी दिन आप जो है खाइए, और फिर एक एक कम करते जाइए। तो आपको एक ही खाना है, क्योंकि आपको जो है कोई कोई शरीर में नुकसान कर सकता है, तो आपको एक से दूसरा नहीं खा लेना। पहले दिन आप जितना महाराज जी ने बताया कि एक दो से शुरू करना और इसी तरीके से एक एक कम करना, तो उसी तरीके से प्रयोग करें, तो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका घुटना दर्द बिल्कुल, आपके कमर दर्द, घुटने दर्द, बदन में कहीं भी दर्द हो रहा है तो आपका पूर्ण लाभ मिलेगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगा। सभी चरणों में संतों के प्रणाम और भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद।